भोर हुआ, प्रभु श्री राम निद्रा का त्याग करते हैं, नित्य क्रिया करके भगवान वट वृक्ष का दूध मंगाते हैं और अपने सुंदर सुंदर केसों पर उस वट वृक्ष का दूध लगा लेते हैं। देख सुमंत नयन जल छाए, सुमंत जी ने जब ये देखा तो वो रो पड़े और कहा, मेरे प्रभु, आपके पिताजी ने हमसे कहा था कि दो चार दिन राम को वन दिखाकर और मेरी आज्ञा का पालन कराकर राम को वापस ले आना। आप प्रभु इन सुंदर सुंदर केशों को जटाओं में परिणित कर रहे हैं, मेरे प्रभु आप ऐसा मत करिए। यह दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं जाती? हे प्रभु कृपा करो, मैं तो सिर्फ मंत्री हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके पिताजी की आज्ञा आप तक पहुंचा रहा हूं, आप वापस अयोध्या चलो। भगवान श्री राम पिता की तरह आदर देते हुए सुमंत जी को कहते हैं, देखिए भैया, हमारा नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन जब एजेंट हो और समझदार हो, उम्र में हमसे बड़ा हो, तो उसकी भी आदर बड़ों की तरह करनी चाहिए। चाहे कितना भी तुम उसके मालिक हो, पर हम सबका मालिक तो एक ही है ना। कईयों को मैंने देखा है, वो अपने सेवकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, उम्र दराज लोगों के साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम के ये मंत्री तो हैं, पर फिर भी अपने पिता की तरह आदर देकर प्रणाम करके प्रभु श्री राम कहने लगे, हे तात, क्या आप नहीं जानते हमारे इस वंश में कैसे कैसे राजा हुए? सेव दधीच हरिचंद नरेशा, दधीच राजा थे, उनको फिर दधीच ऋषि की उपाधि मिल गई। इसलिए अपनी अस्थियां भी हड्डियां भी उन्होंने दान में दे दी, अगर मेरी हड्डियां देवताओं के काम आती हैं तो ले लो तुम देवता। और उसी उन्हीं की हड्डियों से वज्र बना जो आज तक देवराज इंद्र पर है, उसका बार ऐसा जो कभी खाली न जाए, ऐसा वज्र है वो। दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी किसके लिए? देवताओं के हित के लिए। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बेच दी, अपना बेटा बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, किसके लिए? धर्म के लिए। और न जाने ऐसे कितने कितने बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने, अरे वो इकलौता बेटा जिस पे आरी चलवा दी मेरे प्रभु ने, मोरध्वज राजा के घर पे चले गए कृष्ण, मेरा शेर इकलौते बेटे का भक्षण करेगा, बोले ले लो, आंसू नहीं आना चाहिए, बोले नहीं आएगा, अब बताओ। और उसी से कह रहे माँ बाप दोनों उसको चीरेंगे आरी से, और चीर दिया, पत्नी की आंख में आंसू आ गया, भगवान नाराज हो गए, अरे तेरा हमने मना किया था आंसू नहीं आना चाहिए, बोले ये तो खुशी के आंसू है महाराज कि हमारे जीवन में जीते जी आज मेरा बेटा आप एक संत के काम आ गया, ये तो खुशी के आंसू। हम लोग क्या धर्म करेंगे, क्या धर्म करेंगे हम लोग? 2000 रुपये लगा के ब्यार जी का दर्शन करने चले जाते तो ब्यार जी पे एहसान करके आ जाते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्व जैसे हैं, क्या हम 14 वर्ष वन में नहीं रह सकते अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए? हितात, आप मुझे अनुचित कार्य करने पर बाध्य मत करिए, मैं आपका आदर करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपा करके पधारिए, इस राम को अपने पुत्र होने का फर्ज अदा करने दीजिए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।